अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पास्ता। आधा कप तेल गरम हो रहा है, दो मीडियम साइज कटी हुई प्याज डाल रही हूँ इसमें, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, प्याज थोड़ी पिंक हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे तीन छोटे छोटे टमाटर, इसमें ऐड कर देंगे हम आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून भरकर एक टीस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, टमाटर के गलने तक भून लेंगे, हाफ चिकन क्यूब डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला है, अगर आप फुल डाल रहे हो तो नमक थोड़ा कम डालिएगा, तीन टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे, मसाला मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉइल्ड पास्ता जो मैंने बॉईल कर दिया, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया, फिर बॉईल होने के बाद उसको ड्रेन कर दिया और ठंडे पानी में धो दिया, थोड़ा सा तेल भी छिड़क दिया था ऊपर से, अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे,
ये चीज़ ऑप्शनल है, चीज़ ऐड कर देंगे इसमें। प्रोसेस चीज़ है ये, आप चाहो तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हो। चीज़ डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। आधा कप या एक कप चीज़ डाल सकते हो इसमें। मैंने आधा कप डाला है। सिम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद खोल देंगे। अब ये रेडी है, सिम पर रखा था मैंने, ये सिर्फ भाप आ रही है इसमें से। प्लेटिंग कर लेंगे। मसाला पास्ता रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।